हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। केस नंबर एक, बिहार का अररिया जिला। एक रेप पीड़िता को सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में जेल भेज दिया गया। मामला ऐसा था कि पीड़िता को अदालत में बयान दर्ज कराने जाना था। वहां उसे एक आरोपी भी खड़ा मिला। पीड़िता उसे देख परेशान हो गई, फिर भी उसे गर्मी में 2 घंटे खड़ा रहना पड़ा। बकौल पीड़िता, अदालत के पेशकार ने भी उस पर गलत टिप्पणी की। जब उसने जज से बयान साफ पढ़कर सुनाने की गुजारिश की तो उसे सरकारी कामकाज में बाधा के आरोप में जेल भेज दिया गया। शायद इसलिए बलात्कार झेलने के बावजूद महिलाएं इंसाफ मांगने से डरती हैं। केस नंबर टू, मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला। नीची जाति के हैवान ने रेप किया तो लड़की के शुद्धिकरण का फरमान आया। नरसिंहगढ़ ब्लॉक के डूंगरपुरा गांव में सामाजिक पंचायत ने तानाशाही वाला ये फैसला सुनाया। शुद्धिकरण में विशाल भंडारे के आयोजन का भी आदेश दिया। शुद्धिकरण न होने तक पीड़िता व परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा। केस नंबर थ्री, राजस्थान का चित्तौड़गढ़। एक रेप पीड़िता और उसके परिवार का गांव में बहिष्कार कर दिया गया। पीड़िता ने अपना बयान बदलने से साफ इनकार कर दिया था। मामला कोर्ट में जाने पर परिवार को 11,000 रुपए जुर्माना देने को कहा गया। गांव की पंचायत ने ये तुगलकी फरमान रेप पीड़िता के खिलाफ जारी किया। केस नंबर चार, छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला। पंचायत ने रेप पीड़िता के परिवार का सार्वजनिक बहिष्कार कर दिया। पंचायत ने युवती के परिवार पर समझौते का दबाव डाला था। परिजनों पर आरोपी को जेल से छुड़वाने के लिए दबाव बनाया गया। परिवार के इनकार पर पंचायत ने तानाशाही अंदाज में आदेश दे डाला। परिवार को नल व कुएं से पानी लेने पर भी रोक लगा दी गई। केस नंबर फाइव, मध्य प्रदेश का सतना जिला। एक रेप पीड़िता एवं परिवार का सामाजिक एवं सरकारी बहिष्कार कर दिया गया। गाँव वालों ने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों ने भी इस परिवार की मदद करना बंद कर दिया। आदिवासी परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। रेप पीड़िता के प्रसव में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मदद नहीं की। केस नंबर सिक्स, उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला। जिस महिला से हुआ था रेप का प्रयास, गांव ने उसी का कर दिया बहिष्कार। पीड़ित परिवार ने वापस नहीं लिया केस तो किया गया सामाजिक बहिष्कार। पीड़ित परिवार से बात करने पर 15,000 के जुर्माने का ऐलान। केस नंबर सेवन, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला। पंचायत का तुगलकी फरमान रेप पीड़िता व परिवार जनों का हुक्का पानी बंद किया। रेप पीड़िता पर ही पंचायत ने 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फकीरों को भोजन कराने पर ही समाज में शामिल करने की शर्त। केस नंबर एट, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। नाबालिग पीड़िता के नवजात को जन्म देने के बाद परिवार का सामाजिक बहिष्कार। परिवार पुलिस के अजीबोगरीब सवालों से भी हुआ परेशान। पुलिस ने परिवार से दुष्कर्म मामले में 4 गवाह लाने को कहा। पीड़िता के पिता ने गवाहों के लिए कोशिश की लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। केस नंबर नाइन, कर्नाटक का एक गांव। बलात्कार पीड़ित लड़की के परिवार का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार। मजदूर परिवार का जीना गाँव वालों ने कर दिया मुश्किल। परिवार की लड़की के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने 1 साल तक बलात्कार किया। शिकायत होने पर प्रिंसिपल को बर्खास्त करके जेल भेज दिया गया। तब गांव वालों ने मजदूर परिवार पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया। केस नंबर 10, महाराष्ट्र का धुले जिला। गर्भपात नहीं कराने पर पंचायत ने नाबालिग रेप पीड़िता को गांव से निकाला। परिवार को भी पंचायत ने दिया गांव निकाला का आदेश। एक पंच के रिश्तेदार पर था बलात्कार का आरोप। पंचायत ने पीड़िता और परिवार को ही गाँव से निकाल दिया। तानाशाही अंदाज में पंचायत ने परिवार पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। केस नंबर 11, उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। सत्ताधारी पार्टी के एक दबंग विधायक पर रेप का आरोप। पुलिस पूरी तरह से विधायक के पक्ष में दिखती है। पीड़िता के पिता को ही पुलिस एक मामले में जेल भेज देती है। पिता की मौत पुलिस हिरासत में ही हो जाती है। 2 मौसियों की भी एक संदिग्ध दुर्घटना में मौत। पीड़िता को समाज के हर तबके के लांछन का सामना करना पड़ा। इंसाफ मिलने तक पीड़िता कई अपनों को खो चुकी थी। केस नंबर 12, राजस्थान का राजगढ़ जिला। रेप की FIR कराना परिवार वालों के लिए मुसीबत बन गया। बेटी के आबरू लूट जाने के बाद समाज की अदालत में परिवार बना मुजरिम। पंचायत ने पीड़िता के परिवार को ही इस अपराध का दोषी माना। पूरे गांव को मांसाहारी भोजन न कराने तक परिवार के बहिष्कार का आदेश दिया।